इंदौर के रुड़न थाना क्षेत्र में रहने वाली 23 वर्षीय युवती ने अपने खून से सुसाइड नोट लिखकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मार्ग कायम कर सुसाइड नोट जब्त कर लिया है। इंदौर के रुड़न थाना क्षेत्र स्थित नगिन नगर में रहने वाली 23 वर्षीय शिवानी नामक युवती अपने घर में आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि जब युवती ने यह कदम उठाया तब घर में कोई भी नहीं था, परिवार के सभी लोग काम पर गए हुए थे। शिवानी ने खुदकुशी करने से पहले अपने खून से सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें दोस्त दीपक नामक युवक का नाम लिखा है। परिजनों का कहना है कि वो बहुत कम घर से निकलती थी और बीकॉम की पढ़ाई पूरी कर चुकी है। वहीं जिस दोस्त दीपक का नाम सुसाइड नोट में लिखा है, पिछले एक साल से वो घर भी नहीं आया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर बताएं क्या घटना हुआ, कौन है जिसने सुसाइड किया? मेरी लड़की शिवानी तोमर। अच्छा, तो क्या कहा, घर पे रहती थी, क्या काम? वो घर पे ही रहती थी सर, खाना वाना झाड़ू और अपना घर का ही काम करती थी। क्या पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी? बीकॉम फाइनल करा उसने। अच्छा, कौन से कॉलेज से? ये बड़े गणपति पे कैलाश मार्केट। कितनी उम्र थी? 23 साल। अच्छा, तो क्या एक सुसाइड नोट भी मिला है? हाँ, एक सुसाइड नोट मिला मगर सर के पास नहीं। अच्छा, सुसाइड नोट में कुछ जानकारी लगी आपको? अभी सर ने बताया नहीं सर। किसी पे कुछ शक या कुछ कभी बताया आप? परेशान ऐसा कुछ नहीं है। कोई लड़का वगैरह परेशान कर रहा था या कोई अफेयर वगैरह की बात थी? ऐसा कुछ बच्ची बात सामने आई? ऐसी कोई बात नहीं है मगर उसका सुसाइड पे एक सिर्फ इतना पता है कि दीपक नाम लिखा हुआ है। अच्छा, दीपक नाम परेशान कर रहा था दीपक? क्या मोहल्ले के रहने वाला? कोई मोहल्ला नहीं, उसका दोस्त था। अच्छा, तो उसका उसको शादी वादी का दावा बना रहा था? नहीं, इसके बारे में मैंने आज तक उसके बारे में सोचा भी नहीं। वो एक घर जैसे संबंध थे लड़के से। हाँ, जैसे वो पापा बोलता था, मम्मी बोलता था। तो क्या दीपक आज इसलिए शक गया क्योंकि उसका नाम सुसाइड पे लिखा हुआ था। सिर्फ दीपक ही लिखा है और कोई बात नहीं लिखी है? दीपक जी लिखा है। नहीं, और कोई बात नहीं लिखी? नहीं, और कुछ नहीं। दीपक क्या घर पे आता जाता था क्या? नहीं, मतलब पहले आता था, बाकी अभी साल डेढ़ साल से नहीं आता। पढ़ाई वगैरह साथ में करी क्या लड़की ने? सर इसके बारे में मेरे को नहीं मालूम, बच्चों में, क्योंकि मैं इनके दोस्तों के बारे में भी नहीं पूछता। हाँ ठीक है, आपका नाम? ठीक, छतर सिंह तोमर। बोल करें सर, बताएं क्या एक मर्ग हुआ है रोड थाना क्षेत्र में, किस प्रकार का मामला है? कल शाम को करीब सूचना आई थी 9-1 बजे कि एक लड़की फांसी लगा के शांत हो गई है। तो घटनास्थल पहुंचे, वहां देखा तो लड़की को नीचे लेटा रखा था और फंदा अंदर लगा हुआ था। अब उसको देखा तो एक सुसाइड नोट मिला है तथा वहाँ 2 रेजल पट्टी, मोबाइल वगैरह सभी जब्त किए हैं। और उसके बाद उसको वहाँ से PM हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। आज उसका PM हो रहा है। किन बातों का जिक्र किया है सुसाइड नोट में? सुसाइड नोट में कोई ऐसा जिक्र नहीं है, किसी का नाम है, दीपक करके कोई नाम लिखा हुआ उसमें। सुसाइड नोट खून से लिखा है? खून, सुसाइड नोट खून से लिखा हुआ है। जो हाथ काटा उसी खून से उसने सुसाइड नोट को लिखा गया। क्या क्लास में पढ़ती थी छात्रा? पूरा अभी मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, मैं पढ़ के ही बता पाऊँगा। क्या करती थी छात्रा? छात्रा स्टूडेंट थी क्लाथ मार्केट स्कूल में। लड़का के कुछ जानकारी परिजनों से? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं। परिजनों ने कुछ बताया? परिजनों ने, उसका भाई ने बताया कि दीपक करके कोई लड़का है। क्या वही मोहल्ले का रहने वाला है या बाहर का रहने वाला है? ये मुझे बताया नहीं अभी। आपका नाम? मेरा नाम साहूनी भगवान सिंह सिसोदिया। फिलहाल 23 वर्षीय युवती ने आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसका खुलासा नहीं हुआ है। वहीं बेटी की मौत से परिजनों का बुरा हाल है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।